नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षा भूषण को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा व शिक्षण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, संस्कारों, सभ्यता व जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की संस्कृति, भारत की हमारी अपनी एक इतिहास की पृष्ठभूमि, अगर उसके साथ जुड़ करके हम पीछे अगर अवलोकन करें तो स्वाभाविक रूप से उस अवलोकन के पश्चात आज हम जिस दौर में जहां खड़े हैं उसका हम विवेचन करें तो बहुत सारी चीजें जो हमारे आत्मसात होनी चाहिए थी वो छूटी है, पीछे छूटी है या छूटती जा रही है। और उन सारी चीजों को मैं समझता हूं कि सही मायने में कोई संगठन अगर प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें नहीं छूटनी चाहिए। हमारी भारत का इतिहास, भारत की हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ की सभ्यता, हमारा यहाँ का संस्कार जो जीवन में किसी न किसी रूप में हमारा रहना चाहिए अंश के रूप में, उसको छूटने नहीं देना है। उसमें अगर उस दिशा में अगर काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के साथ उस कार्य को करना है। स्वाभाविक रूप से जो प्रगति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और प्रगति की राह पर आगे बढ़ करके हमको काम करना भी है, और कोई भी समाज हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की सबकी कल्पना होती है, सबकी एक इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन प्रगति करते करते अब इन चीजों को अगर हम छोड़ जाए, पीछे छोड़ जाए और उसके बाद हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाने की अगर हम बात कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, तो उस कल्पना को, उस अवधारणा को हम सही मायने में जो है वो चरितार्थ नहीं कर सकते हैं, उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसमें इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस चीज की है, अगर आज के दौर में अगर शिक्षा है तो शिक्षा के साथ इतिहास, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार, ये जीवित कैसे रखा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता एवं समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाते हैं जो आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षक सम्मान समारोह के सफल आयोजन के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की सराहना करते हुए कहा कि महासंघ शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों को संजोकर फिर से विश्व गुरु के अपने स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवोन्मेषी प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं और आज हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राज्यों में से एक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और धार्मिक गुरु ज्ञानानंद महाराज ने संयुक्त रूप से तीन शिक्षाविदों, प्रोफेसर कपिल कपूर, डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली और रेणु दांडेकर को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विकासात्मक परियोजनाओं व कार्यक्रमों पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। सार्थक सोच, मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से कोई भी कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल स्थित पराहू गांव के प्रगतिशील किसान श्री जगदीश चंद ने कुछ नया करने की लगन में वर्ष 2008 में खुम्ब की खेती करना आरंभ की और निरंतर सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहे।
इस व्यवसाय ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई और उनकी आर्थिकी भी मजबूत हुई है। उन्हें नेशनल मशरूम मेला में प्रोग्रेसिव मशरूम ग्रोवर अवार्ड सहित अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से श्री जगदीश चंद को संबल मिला। वर्ष 2017-18 में जगदीश चंद को मशरूम की इकाई लगाने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 20 लाख रुपए मूल्य की परियोजना को प्रदेश सरकार द्वारा 8 लाख रुपए का उपदान भी दिया गया। उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ता, स्थानीय बाजारों में ही उनकी बहुत मांग है। 19-20 में 2500 बैग और 2500 बैग से 2.25 लाख के करीब मुनाफा कमाया और 2021 में मैंने लगभग 3100 बैग की खेती उगा करके और 7 महीने में फसल में 2 कमरों में डबल फसल क्रम अपना करके लगभग 75 क्विंटल की मशरूम बेच करके 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मुझे स्टार्टअप में चुना गया और आजकल मैं जो हूँ इसको स्टार्टअप में चयनित हो गया हूँ और आजकल मैं बटन मशरूम के साथ जो स्टाके मशरूम है जिसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को और बढ़ा सकते हैं सरकार के सहयोग से इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया है। शीघ्र ही 2022 में स्टाके मशरूम के ऊपर जो है मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। श्री जगदीश चंद युवाओं को सदैव मशरूम उत्पादन कर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा रोजगार युवाओं से निवेदन है, जो गाँव के युवा भाई हैं वो शहर की ओर न भागें, अपने ही घर अपने ही गांव में रोजगार को तलाश करने का प्रयास करें। जैसे कि मशरूम का है, इसमें हम 6 महीने में जो है अपनी आर्थिक स्थिति को जो है दुगना कर सकते हैं। अगर हम इसमें अपने पॉकेट अलाव के साधन को सामने रखते हुए चाहे इसको 1000 से चाहे 50,000 से चाहे लाखों रुपये में इन्वेस्टमेंट करके जो है 6 महीने की उम्र जो है दुगनी जो है कमाई कर सकते हैं। मैं हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने विभाग के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए इतनी अच्छी स्कीमें एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत अच्छी स्कीमें चलाई हैं ताकि वो अपनी बेरोजगारी को दूर भगा सकें। सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवसाय को अपनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य सहायता भी प्रदान की जाती है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।